18 से 14 इयर्स के बीच में है और अगर आप सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं जानते जैसे अटल पेंशन योजना तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मेरा नाम है मिनेश सचान और स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। हम लोगों में बहुत सारे लोग सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जैसे पेंशन स्कीम्स क्या होती हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, इन सब को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अटल पेंशन योजना, जिसे हम लोग AYP के नाम से भी जानते हैं या APY के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, इसको कैसे यूज किया जाए या कैसे इस पे इन्वेस्ट किया जाए। याद रखिए इस स्ट्रीम में दो वीडियोस होंगे, जो पहला वीडियोस जिसमें आपको बताया जाएगा कि अटल पेंशन योजना क्या होती है, कैसे निवेश करें और इसके क्या क्या फायदे हैं। दूसरी स्ट्रीम सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि अटल पेंशन में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका स्टेटमेंट कैसे देखेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं भी बैंक्स में कई बार पूछ चुका हूं कि मैंने जो बैंक में अटल पेंशन में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कितना पैसा जमा हो गया, मेरे को अपने अकाउंट से डिटेल चाहिए, तो किसी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार मैंने NSDC जो कि ये पूरा सेंट्रलाइज एजेंसी है पेंशन के लिए, उनको मैंने एक RTI फाइल किया, उन्होंने RTI के थ्रू जवाब दिया और आखिरकार मुझे कल पता चल गया कि अटल पेंशन योजना का स्टेटमेंट कैसे देखा जाता है। आई होप आपको भी बहुत हेल्पफुल करेगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अटल पेंशन योजना में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग पहले एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। अटल पेंशन योजना अभी की नहीं है, काफी पुराने समय से ये चल रही है, बस इसको पहले गवर्नमेंट ने स्वावलंबन योजना के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। फिर गवर्नमेंट ने 2015-16 में जब बजट पारित किया तो ये एक पेंशन सेक्टर का एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की, अटल पेंशन योजना। बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में NPS के नाम से भी यूज होता है, अभी भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं न्यू पेंशन स्कीम में, लेकिन अटल पेंशन योजना बहुत बेस्ट योजनाओं में से एक है। आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पहले बता दें, इस योजना में या इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये योजना जो है इसमें आपको कई सारे एलिजिबिलिटी या ये कहिए कि कई सारे अलग अलग स्लैब मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस योजना के थ्रू पेंशन पाना चाहते हैं तो पेंशन में इसमें कई सारे स्लैब्स दिए गए हैं। मैं आपको स्लैब्स के बारे में पहले बता दूं, आप लोग इस पेंशन में 5 स्लैब पाएंगे। पहला स्लैब जो है वो है आप लोगों का 1000 रुपीज की पेंशन का, दूसरा स्लैब जो है वो है आपका 2000 रुपीज की पेंशन का, तीसरा 3000, 4000 एंड 5000। ये जो स्लैब्स हैं इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी पेंशन डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 18 साल से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे पहला स्लैब, इसके लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर मंथ 42 रुपीज देने हैं। उसी तरीके से मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया कि मैं 5000 रुपए पेंशन चाहूंगा, तो आपकी उम्र जितनी भी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना यहां पर इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर लीजिए। किसी की उम्र 20 साल है तो वो लोग अगर 5 साल की पेंशन या 5000 की पेंशन चाहते हैं तो 248 रुपीज पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा जब तक कि एज 60 इयर्स नहीं हो जाती है। ये जो पेंशन योजना है ये 60 साल के बाद एक्टिव होगी। अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने के लिए बस आपके पास 3 फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, आपकी एज जो है 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। अगर आधार में मोबाइल नंबर अटैच्ड है तो बहुत अच्छी चीज है, आपको पीरियोडिकली उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके SMS के थ्रू। अब आप लोग इसके डिटेल व्यूज देखिए। अब आप इस चार्ट को गौर करिए, अगर आप 5000 रुपीज पर मंथ की पेंशन चाहते हैं तो अटल पेंशन में 5000 रुपीज पर मंथ के लिए ये एज बार दिए गए हैं। अगर मान लीजिए किसी की एज 20 इयर्स है तो जाहिर है आपको 40 साल तक कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज 60 साल पे योजना बंद होगी। आपको पर मंथ 248 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक चीज और जो बहुत सारे लोगों के बीच में डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, जरूरी नहीं कि वो 60 इयर्स तक अचीव करे, वो 20 साल या 15 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेथ हो जाने के बाद आपका जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ है जिसमें कि 8.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी रहता है,
वो पूरा का पूरा नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे चार्ट्स को देखें, जैसे आपके स्क्रीन पर ये वाला जो चार्ट है, ये 3000 पेंशन के लिए है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे पेंशन आप कम कर रहे हैं, आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी कम हो जाता है, इंश्योरेंस अमाउंट भी कम हो जाता है। अब हम लोग इसको एक रॉ मैन की तरह कैलकुलेट कर लें। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान लीजिए किसी की एज 20 इयर्स है और वो 40 इयर्स तक कंट्रीब्यूट करना चाहता है और वो 5000 रुपीस की पेंशन चाहता है, तो उसको अराउंड अबाउट 248 मोटा मोटा 250 रुपए उसको हर मंथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको एक सिंपल सी कैलकुलेशन में दिखाता हूं। जैसे उसने 250 रुपीस पर मंथ कैलकुलेट कर रहा है, 12 महीने में वो 3000 रुपए जमा कर रहा है, उसको जमा करने हैं 40 इयर्स तक। आप देख रहे हैं राउंड फिगर 120000 रुपए वो कंट्रीब्यूट कर चुका होगा। अब 120000 रुपए जमा होने के बाद जब वो 60 साल का हो जाएगा तो 60 इयर्स के बाद उसको 5000 रुपीस पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सिंपल सी मैथमेटिक्स में देखें तो 120000 रुपए 2 साल में बड़े आराम से पेंशन के रूप में उसको वापस मिल चुके होंगे। और यानी कि जब वो 62 का हो जाएगा उसके बाद जितना अमाउंट आएगा वो सब गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए फ्री होगा जो ताउम्र रहेगा। पेंशन में एक और अच्छी चीज रहती है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी नॉमिनी है या स्पाउस है उसको 50% पेंशन यानी कि 5000 की आधी 2500 रुपए उसकी पूरी लाइफ तक मिलती रहेगी। एक चीज और आपको बता दें कि ये जो पेंशन स्कीम्स हैं ये उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्होंने पहले से कोई और अदर सोशल सिक्योरिटी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट ना किया हो, जैसे एनपीएस टायर 1 टायर 2 में। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम्स है और इसको हर आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स इसके आखिरी में इसके बाद एक सेकंड वीडियो और है जो अटल पेंशन योजना का है, जो इसके बाद मैं स्ट्रीमली जोड़ूंगा, उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है पेंशन योजना में तो आप एनएसडीएसएल की साइट में जाकर कैसे अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और ऐसे बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपको 20 से विड्रॉल लेना है, इनकम टैक्स में क्या रिबेट मिलती है, ये सब चीजें हम सेकंड वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, गुड बाय।